आर्थिक तंगी से जूझ रहा पाकिस्तान आखिरकार IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों को मानने को तैयार हो गया है। इसके बाद पाकिस्तान को $1.1 बिलियन मिलने की उम्मीद है, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी राहत है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री का कहना है कि उन्हें IMF की शर्तों का ड्राफ्ट मिल गया है। तो कंफर्म कर रहा हूं कि MEFP जो है वो हमें ड्राफ्ट आज सुबह 9 बजे मिल गया है, एज पर देयर कमिटमेंट वो भी हमारे पास मौजूद है। हम उसको इंशाल्लाह कम्प्लीटली गो थ्रू करेंगे और वीकेंड के ऊपर, और फिर मंडे को उनके साथ हमारी ऑब्वियसली वर्चुअल मीटिंग होगी। पाकिस्तान को मिलने वाला ये पैसा $6.5 अरब के बेल आउट पैकेज का हिस्सा है, जिसमें IMF ने दिसंबर से रोक लगा रखी थी। IMF पाकिस्तान को मदद देने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। IMF ने जो शर्तें रखी हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान को कुछ बड़े फैसले लेने होंगे, ताकि संस्था को विश्वास हो सके कि आर्थिक संकट से निपटने के लिए सरकार कदम उठा रही है। दिल्ली के करौलबाग इलाके में पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच में आज सुबह आग लग गई। आज सुबह करीब 5:15 पर यह आग लगी। आसपास के लोगों ने बैंक से धुआं निकलता देखा और देखते ही देखते आग काफी ज्यादा भड़क गई। सुरक्षा गार्ड और लोगों ने दमकल विभाग को कॉल किया। तो आके यहाँ देखा तो जबरदस्त आग लगा हुआ था, उसके बाद अंदर में जाके उसको फायर ब्रिगेड ने आया, उसको थोड़ा कंट्रोल किया। यहाँ के गार्ड जो है उन्होंने फोन किया हमारे को 5:30 करीब, तो यहाँ से हम आए हैं तो यहाँ देखें तो सारे आग लगा हुआ है, बहुत तगड़ा आग लगा हुआ था अंदर। दमकल विभाग की करीब 16 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू हुआ। फिलहाल ये आग बुझ तो गई है, लेकिन कूलिंग का काम काफी देर तक चलता रहा। फिलहाल आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन बैंक की इमारत को काफी नुकसान पहुंचा है। नियमों के मुताबिक बैंक के दफ्तर में आग से सुरक्षा के काफी अच्छे इंतजाम रहते हैं, इसके बावजूद आग भड़क गई। आग कैसे लगी इसकी जाँच की जा रही है। तो 50 दिन बीत जाने के बावजूद रूस यूक्रेन युद्ध कब खत्म होगा, ये किसी को नहीं पता। युद्ध रोकने की तमाम कोशिशें अब तक नाकाम साबित हुई हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूसी राष्ट्रपति को ये समझा चुके हैं कि मौजूदा युग युद्ध का नहीं है और मुद्दों को बातचीत से सुलझाना चाहिए। अब अमेरिका ने कहा है कि अगर PM मोदी युद्ध को समाप्त करने की कोशिश करते हैं तो अमेरिका इसका स्वागत करेगा। I'll let the Prime Minister speak to whatever efforts he's willing to undertake. I want to stress it again, Goyal. I mean, certainly the United States would welcome any effort that could lead to an end of hostilities in Ukraine. रूस के राष्ट्रपति पुतिन का जिक्र करते हुए व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा कि यूक्रेन के लोगों की बदहाली के लिए पुतिन जिम्मेदार है। अमेरिका के मुताबिक पुतिन अगर चाहे तो वो इस युद्ध को रोक सकते हैं, लेकिन बजाय इसके वो यूक्रेन पर क्रूज मिसाइलों से हमला कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये शख्स कौन है जो महिला के साथ झड़प कर रहा है और महिला इस पर गलत तरीके से वीडियो बनाने का आरोप लगा रही है। इस युवक पर आरोप है कि ये महिलाओं और लड़कियों का वीडियो बनाता है। चलिए आपको पूरा माजरा बताते हैं कि आखिर ये शख्स कौन है जो महिला के साथ झड़प कर रहा है। मेरठ के जाट कॉलेज में मारपीट का वीडियो वायरल है। दरअसल वैलेंटाइन वीक के दौरान कॉलेज का एक छात्र अपनी दोस्त को कुछ गिफ्ट दे रहा था, जिस पर कुछ लोगों की नजर पड़ी और इसकी पुलिस से शिकायत कर दी गई कि छात्र लड़की से छेड़छाड़ कर रहा है। पुलिस के पहुंचने के बाद मामला शांत तो हो गया, लेकिन कॉलेज में गिफ्ट देने की खबर जब कॉलेज प्रबंधक को मिली तो वो भी वहां पहुंच गई और उन्होंने कॉलेज स्टाफ से इस पर जानकारी मांगी। इस दौरान एक व्यक्ति महिला कॉलेज प्रबंधक का वीडियो बनाने लगा, जिसे देखकर वो भड़क गई और वो स्टाफ से उलझ गई। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने एक बार फिर BJP नेता को निशाना बनाया है। शुक्रवार रात नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर में नक्सलियों ने BJP जिला उपाध्यक्ष सागर साहू को उन्हीं के घर में घुसकर गोली मार दी। बताया जा रहा है कि बाइक से आए दो नक्सली सागर साहू के घर पहुंचे और फिर नजदीक से उन्हें सिर पर गोली मारी। इसके बाद नक्सली आराम से फरार भी हो गए। घायल अवस्था में सागर साहू को पहले प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले जाया गया और वहां से नारायणपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया। तो हॉस्पिटल लाया गया 9 बजे, इसमें तब वो बुरी तरह से समेत उनके गले के दायनीय भाग पर गोली लगा हुआ है, गनशॉट इंजरी है और
लेकिन जिला अस्पताल पहुंचने से पहले ही बीजेपी नेता सागर साहू की मौत हो चुकी थी। आज करीब 8 बजे छोटे डोंगर थाना क्षेत्र में दो अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल सवार होकर आए और सागर साहू नाम के व्यक्ति घर में घुसकर उन पे दो राउंड फायर किया। बेहतर उपचार के लिए इनको जिला नारायणपुर के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में रेफर किया गया, जहाँ पे इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। त्रिपुरा में बीजेपी की दोबारा सत्ता में वापसी के मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रचार युद्ध में उतरेंगे। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद पीएम मोदी आज पहली बार चुनाव प्रचार के लिए त्रिपुरा आ रहे हैं। पीएम मोदी की पहली रैली अम्बासा के कुलाई ठाकुरपल्ली मैदान में दोपहर 12 बजे होगी, जबकि दोपहर 2 बजे गोमती के चानबन में पीएम मोदी दूसरी विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। त्रिपुरा चुनाव जीतने के प्रचार में बीजेपी ने बड़े नेताओं पर दांव लगाया है। गृह मंत्री अमित शाह ने यहां सोमवार को दो रैली और एक रोड शो किया था। खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। त्रिपुरा की सभी 60 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है और 16 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। नतीजों का ऐलान 2 मार्च को होगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत बिहार के दौरे पर हैं, जहां की धरती से उन्होंने भारत को विश्व गुरु बनाने का फॉर्मूला बताया। मोहन भागवत भागलपुर में संत महर्षि मेही आश्रम के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है तो साधु संतों समेत सभी को सहयोग करना होगा। संघ प्रमुख ने कहा कि संतों के उपदेशों को रोजमर्रा के जीवन में उतारना लोगों की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। एक तरफ भागवत लोगों को साथ लाने की बात कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के रामलीला मैदान से जमीयत चीफ महमूद मदनी ये साबित करने में लगे थे कि देश में नफरत का माहौल है। आज हमारा मुल्क नफरत और मजहबी तासुब की जद में है। नौजवानों को तामीरी कामों में लगाने के बजाय तखरीब का आलेकार बनाया जा रहा है। मीडिया इश्तेआल फैलाने का सबसे बड़ा हरबा बन गया है। महमूद मदनी ने माना कि जिहाद के नाम पर मुस्लिम युवाओं को भड़काया जा रहा है, लेकिन वो ये भी साबित करने पर तुले रहे कि आतंकवाद के नाम पर बेगुनाहों को निशाना बनाया जा रहा है। कुदरत का क्रोध कितना प्रलयकारी हो सकता है, वो इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। तुर्की के सबसे पुराने शहर अंटाकिया को भूकंप ने खंडहर में तब्दील कर दिया। इस शहर में शायद ही कोई ऐसी इमारत बची है जो पूरी तरह से सलामत हो। पूरे इलाके में सन्नाटा है। जिसकी जान बची है वो सड़क किनारे बैठा है और कार में रात बिताने को मजबूर है। तुर्की में मौजूद जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे ने वहां चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। मलबे में जिंदगी की तलाश की जा रही है। तुर्की के स्कैंड्रन शहर की तस्वीरें भी कुछ ऐसी ही हैं। यहाँ भी कई इमारतें मलबे का पहाड़ बन चुकी हैं। भूकंप में जो लोग भाग्यशाली रहे उन्हें यहाँ से इस डर की वजह से हटा दिया गया, ताकि अगर दोबारा भूकंप आया तो हालात और भयावह हो सकते हैं। स्कैंड्रन में भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल यहाँ के लोगों के लिए मसीहा बन गया है। भारतीय सेना के जवान यहाँ भूकंप में घायल हुए लोगों का इलाज कर रहे हैं। भूकंप की वजह से अब तक 24,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। नोएडा में एक बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया, जिसकी तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। सड़क पर पड़ा ये शव उस लड़की का है जिसकी मौत कार के डिवाइडर से टकराने की वजह से हो गई। नोएडा के सेक्टर 24 इलाके में बीती रात करीब 12:30 बजे इस कार में 4 लड़के और 2 लड़कियां जा रहे थे। बताया जा रहा है कि तभी ये कार डिवाइडर से टकरा गई और फिर पलट गई, जिसके बाद कार के शीशे टूट गए और इसमें बैठी एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। ये एलिवेटेड रोड है, थाना सेक्टर 24 चौकी के पास। यहाँ पर एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। ये निशान गाड़ी है जिसपे 6 व्यक्ति सवार थे, 4 युवक और 2 युवतियाँ। ये अनियंत्रित कार पलटने के बाद एक युवती की मौके पे ही मृत्यु हो गई है, जिसके शव को मार्चरी के लिए भेजा गया है। जो 5 अन्य व्यक्ति हैं उनको ज़्यादा चोटें नहीं आई, लेकिन प्राथमिक उपचार के लिए उनको जिला चिकित्सालय भेजा गया है। जिस लड़की की जान चली गई वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर की निवासी थी और नोएडा में कंपनी में काम करती थी। दुर्घटना में घायल हुए 4 लड़के और 1 लड़की को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन पत्थरों में वो खजाना छिपा हुआ है जो इलेक्ट्रिक कार, मोबाइल फोन, लैपटॉप बनाने की कंपनियों के लिए संजीवनी बन सकता है।
जम्मू के रियासी जिले के सलाल हैमाना इलाके में इन पहाड़ों में 59 लाख टन लिथियम के भंडार का पता चला है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हुई है। अब जल्द ही इस भंडार को नीलाम किया जाएगा। ये जो हमें लिथियम मिला है, ये बहुत तरह से भारत को ग्लोबल मैप में ले आएगा। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर की उपलब्धि नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष की उपलब्धि है। लिथियम का भंडार मिलने से जम्मू कश्मीर के इस इलाके को दुनिया के नक्शे पर नई पहचान मिलेगी, साथ में यहाँ रोजगार के मौके बढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और लिथियम के लिए भारत की दूसरी देशों पर निर्भरता भी कम होगी। हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए खुशखबरी, सलाल के लोगों के लिए बहुत बहुत खुशखबरी है, मुबारकबाद है कि ये हमारा रोजगार का एक नया सुनहरा मौका है। जम्मू कश्मीर में सरकारी जमीन पर लूट मचाने वालों पर बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है। आज बारी थी भटिंडी के मलिक बाजार की, जहां पर मलिक मार्केट पर बुलडोजर चलाया गया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि आखिर मार्केट के मालिक ने सरकारी जमीन को कब्जाया नहीं बल्कि उस पर आलीशान बाजार भी खड़ा कर दिया। जैसे ही प्रशासन को पता चला कि ये पूरा का पूरा मार्केट सरकारी जमीन पर बनवाया गया है, वैसे ही मार्केट को बुलडोजर से गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। इस पूरे मार्केट को जमींदोज कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में धड़ल्ले से सरकारी जमीनों को कब्जाया जा रहा था। जिसके हाथ जहां तक फैल रहे थे वो वहां तक जमीन को कब्जे में ले रहा था, लेकिन 370 हटने के बाद से सरकारी जमीन हड़पने वालों पर कार्रवाई की जा रही है और सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त किया जा रहा है। इससे पहले ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमणकारियों को झटका देते हुए अतिक्रमण हटाने के आदेश पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था।